वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस वीकेंड फ्राइडे के एक दिन में ही रिलीज होने वाली सभी और बढ़िया 20 वेब सीरीज एंड मूवीज, जो सारी की सारी 29 जुलाई के एक दिन में ही रिलीज होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और कहीं जल्दी जल्दी में कोई बढ़िया कंटेंट मिस ना कर जाना। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट वाली वीडियोस होने के बावजूद कुछ लोग फिर भी निराश होते हुए कमेंट्स में लिख देते हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो कैसे इन भाइयों को मजा दिलाया जाता है, आप लोग जरा कमेंट्स में बताना मुझे, ताकि जल्दी से जल्दी उन भाई साहब की कंप्लेंट का निवारण हो सके। और पहले ही माफी मांगता हूँ, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आवाज को सुनते हुए उतना मजा नहीं आएगा, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 20 पे है एक हॉलीवुड स्टाइल बड़ी पंजाबी पीरियड इमोशनल ड्रामा मूवी छल्ला मुड़के नहीं आया, जो पंजाबी सिंगर एक्टर अमरिंदर गिल की बड़ी मूवी है इस साल की, जिसकी सिनेमेटोग्राफी कमाल की लग रही है ट्रेलर देखने से, और वैसी ही फीलिंग आती है जो हॉलीवुड की कोई मूवी देखने से मिलती है। बाकी अमरिंदर गिल का तो नाम ही काफी है किसी भी पंजाबी मूवी को हिट करवाने के लिए, जिसने बहुत सी हिट मूवीज पंजाबी इंडस्ट्री को ऑलरेडी दे दी हैं। और ये मूवी अभी 29 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जब हमारे लोग ब्रिटिश रूल के टाइम पे ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंडिया से बाहर जाते थे, लेकिन उस टाइम में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। नंबर 19 पे है Amazon Mini की एक नई रियलिटी कॉमेडी ड्रामा टीवी शो सीरीज केस तो बनता है, जो 29 जुलाई से Amazon Mini TV की ऐप पे फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका बेस कॉन्सेप्ट कुछ आपकी अदालत शो से मिलता जुलता होने वाला है, लेकिन बहुत फनी स्टाइल में, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाएगा और उनके साथ मस्ती की जाएगी। इसका ट्रेलर तो देखने से काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन कभी कभी दूर से दिखने वाली चीज पास जाके टट्टी निकलती है, कुछ वैसा ही ना हो जाए इस शो के साथ, जिसे आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं 29 जुलाई के बाद। नंबर 18 पे है नेटफ्लिक्स की एक टीनेज कॉमेडी ड्रामा हिंदी डब वेब सीरीज चीयर लीडर स्क्वाड, जो ओरिजिनल बीबीसी की सीरीज है, लेकिन अभी हिंदी डब करने के बाद इसे नेटफ्लिक्स पे 29 जुलाई को रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी है कुछ स्कूल गर्ल्स की, जो आपस में मिलके एक एंटी बुलिंग ग्रुप बनाती हैं, जिसमें वो स्कूल में बुली करने वालों के खिलाफ एक प्लान बनाने वाली हैं पूरे स्कूल में बुली कल्चर को खत्म करने के लिए। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज जस्टिस सर्व्ड, जो एक अफ्रीकन ओरिजिनल सीरीज है और 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी अफ्रीका के कुछ फ्रीडम फाइटर्स की होने वाली है, जो एक बड़े कोर्ट हाउस को हाईजेक कर लेते हैं, जिनका मकसद होता है गंदी पॉलिटिक्स और वहां की पुलिस की सच्चाई को लोगों के सामने लाना। जब एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने एक इनोसेंट अफ्रीकन बंदे को मार डाला था, तो उनका ये प्रोटेस्ट पूरे देश में आग लगाने वाला है। नंबर 16 पे है एक डार्क एक्शन कॉमेडी मूवी द ब्लैक फ्राइडे, जो कुछ टाइम पहले यूएस के थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इंडिया में इसे 29 जुलाई से बुक माई शो पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, जिसकी कहानी है यूएस के एक बड़े स्टोर की, जहां पे उस स्टोर का पूरा स्टाफ ब्लैक फ्राइडे सेल की तैयारी कर रहा होता है और ओपन होते ही लोगों की बड़ी भीड़ आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पे लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं, तो पूरा स्टाफ उन ज़ॉम्बी से लड़ने के साथ साथ लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं, हमें सिचुएशनल कॉमेडी के साथ हंसाते हुए। नंबर 15 पे है एक नई बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अंतरजाल, जो अभी 29 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली बंगाली मूवी है, जो कहानी एक मैरिड कपल की है, जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए दूर कहीं रिमोट एरिया में जाते हैं, लेकिन पहले ही दिन हस्बैंड कहीं गुम हो जाता है, तो बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक आ जाती है, कहां गया वो बंदा और क्या हुआ उसके साथ, वही इस मूवी की मिस्ट्री वाली कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 14 पे है Z5 की एक बड़ी सच्ची कहानी वाली क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज का सीक्वल रंगबाज का सीजन 3, जो अभी विनीत कुमार के साथ 29 जुलाई को Z5 पे रिलीज की जाने वाली है, जो साहेब नाम से पॉपुलर हुए एक गैंगस्टर की कहानी है और उसकी जिंदगी के उस टाइम को दिखाया जाएगा जब वो एक गैंगस्टर से एक बड़ा पॉलिटिशियन बन गया और लोगों के दिल में डर की राजनीति बनने लगी, जिसके लिए लोगों के दिल में प्यार भी था और डर भी था। अब क्या है उस साहेब की पूरी कहानी, इस सीरीज में पूरी डिटेल में दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। नंबर 13 पे है एप्पल प्लस की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर रोमांटिक वेब सीरीज सरफेस, जो अभी 29 जुलाई से एप्पल प्लस टीवी पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, और कहानी है एक लड़की की, जो अपनी जिंदगी से निराश होते हुए सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन बच जाती है, बट उसके सर पे गहरी चोट लगने के कारण उसकी पिछली जिंदगी की याददाश्त खो जाती है और अब उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और एक बंदा जो उसे उसका हस्बैंड बताता है वो असल में हस्बैंड है भी या नहीं। तो इस कहानी में वो अपनी छोटी छोटी यादों को जोड़ते हुए असल सच के बारे में जानना चाहती है। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज अनकपल्ड,
जो 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। और कहानी है एक गे कपल की जो कई सालों से एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक बंदा रिलेशनशिप को तोड़ते हुए छोड़ के चला जाता है। तो 40 साल की उम्र में अब ये बंदा अकेला रह जाता है जो अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नंबर 11 पे है एक नई मराठी ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा मूवी टाइम पास 3, जो अभी 29 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और कहानी, वैसे कहानी तो है ही नहीं इस मूवी की, बस जो भी है कॉमेडी भरपूर है, जिसमें बहुत से अतरंगी कैरेक्टर्स डाले गए हैं जिनकी जिंदगियों के किस्से हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 10 पे है एक नई पंजाबी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी थप्पा, जो डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पे 29 जुलाई से रिलीज होने वाली है। और कहानी है एक भूतिया बंगले की, जहां पे एक टीवी रिपोर्टर आता है अपनी एक ब्रेकिंग न्यूज़ की कहानी के लिए, और वार्निंग देने के बावजूद भी वो इस बंगले के अंदर जाते हैं। तो देखिए हंसते हंसते उनके साथ अंदर क्या क्या कांड होने वाले हैं। नंबर 9 पे है एक नई कोरियन कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा सीरीज बिग माउथ का सीजन 1, जो अभी 29 जुलाई से हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में रिलीज की जा रही है, जिसकी कहानी है एक क्रिमिनल लॉयर की जो बिग माउथ के नाम से पॉपुलर है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, और इसी आदत के चलते वो एक मर्डर केस में बुरा फंस जाता है जिसमें उसकी वाइफ अभी उसकी हेल्प करने वाली है। तो क्या होता है उसके साथ और कैसे उसकी वाइफ उसे बचाने की कोशिश करती है, इस बढ़िया कोरियन सीरीज़ को हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 8 पे है होयचोय की एक नई बंगाली क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज संपूर्णा, जो 29 जुलाई से होयचोय के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है। और इस सीरीज की कहानी इंडियन सोशल इश्यूज पे बेस्ड होने वाली है, जब एक लड़की की नई नई शादी होती है, और जैसा कि इंडिया में देखने को मिलता है, शादी के बाद लड़की ना तो अपने ही घर की रहती है और ना ही उसके ससुराल में उसे बेटी माना जाता है। और उसके हस्बैंड की कहानी है, जो दिन में और ऊपर से देखने में तो काफ़ी अच्छा और संस्कारी बंदा दिखता है, लेकिन रात में अपनी बीवी के साथ एक खतरनाक भेड़िया बन जाता है और अपनी ही बीवी के साथ मारपीट के रेप करता है। तो आगे क्या होता है देखिए इस सीरीज में, और बाकी जल्द ही हमें ये सीरीज हिंदी डब होके होयचोय पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी अपडेट मैं आपको दे ही दूंगा जब भी अवेलेबल होती है हिंदी डब में। और इसके बारे में जल्दी जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई और बढ़िया हिंदी डब रोमांटिक इमोशनल म्यूजिकल सस्पेंस ड्रामा मूवी पर्पल हार्ट, जो 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। और कहानी है एक फीमेल सिंगर की जिसे एक खतरनाक बीमारी होती है, तो उसका एक फ्रेंड उसकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उसकी बीवी होने का ड्रामा करने के लिए कहता है, जो खुद एक आर्मी मैन है, जिससे उसकी बीवी के मेडिकल बिल्स गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है जब वो लड़का एक लड़ाई के दौरान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, तो अब इस लड़की को उसकी ऑफिशियल वाइफ बने रहने के लिए उसकी देखभाल भी करनी होगी। तो आगे क्या होता है उनकी जिंदगियों में, इस बढ़िया मूवी में देखिए। नंबर 6 पे है एक हिट हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज का सीक्वल मसाबा मसाबा का सीजन 2, जो अभी 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। और इसके सीजन 1 की कहानी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेगी, जिसकी कहानी है एक फैशन डिजाइनर लड़की की, जिसकी माँ के रोल में है नीना गुप्ता। और ये लड़की एक लव ट्रायंगल में फंसने वाली है इस बार, और उसकी मॉम भी उसकी शादी को लेके उसके पीछे पड़ी रहती है। बाकी देखते हैं इस लव ट्रायंगल में से किसको वो चुन पाती है या नहीं। नंबर 5 पे है Zee5 की एक साउथ की कॉमेडी ड्रामा सीरीज पेपर रॉकेट्स, जो 29 जुलाई से Zee5 पे ओनली तमिल एंड तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है। और कहानी है 6 अनजान लोगों की, जो अपनी अपनी जिंदगियों से निराश होके एक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं। बाकी क्या एडवेंचर और क्या ढूंढ के लाते हैं हमारे लिए, वो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 4 पे है एक और पैन इंडिया एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी रामा राव ऑन ड्यूटी, जो अभी 29 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही हिंदी डब के साथ भी रिलीज की जाने वाली है, जिसमें साउथ का सुपरस्टार रवि तेजा मेन रोल में एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में होने वाला है, जो टाइम टू टाइम कानून तोड़ता रहता है लोगों की भलाई के लिए। और इसी कारण से उसे अभी उसके अपने ही गाँव में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पे उसका सामना एक बड़े और खतरनाक माफिया के साथ होने वाला है। नंबर 3 पे है साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का सीक्वल हिट द सेकंड केस, जो अभी 29 जुलाई से थिएटर्स में ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज होने वाली है। और इस बार के पार्ट 2 में नई कहानी और नए केस के साथ एक नया एक्टर मेजर मूवी फेम अदिवी शेष भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें एक और नया क्रिमिनल केस देखने को मिलेगा। और इस बार एक्शन भी बढ़िया होने वाला है पार्ट 2 में। नंबर 2 पे है एक हिंदी बॉलीवुड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का सीक्वल एक विलन रिटर्न्स, जो 29 जुलाई से थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और जहां फर्स्ट पार्ट में हमें रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन रोल्स में देखे थे, और इस बार पार्ट 2 में जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर देखने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से विलन कौन होने वाला है और कौन हीरो होने वाला है, वो तो अभी तक इस मूवी के ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया है, या फिर इस बार इन दोनों में से कोई भी विलन ना होके कोई तीसरा बंदा ही आने वाला है विलन बनके।
नंबर एक पे है जानवी कपूर की नई डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी गुडलक जेरी, जो 29 जुलाई को डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर की जाने वाली है। और ये हिंदी मूवी रीमेक है तमिल मूवी कोलामावु कोकिला की, जिसमें एक लड़की की कहानी है जो ड्रग स्मगलिंग में फंस जाती है। और इसकी कहानी में ज्यादा हमें सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगी, जो काफी एंटरटेनिंग होने वाली है। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है, अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टाटा बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और दुनिया में रखा भी क्या है।